हम मौसम को बदल सकते हैं, प्रिया को नहीं। मगर उसने कल किसी की हेल्प की मम्मी, वो भी अपने आप से। मैं सिर्फ अपनी हेल्प कर रही हूँ, पर जब तक तुझे पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे शुगर। मगर ये शुगर फ्री है, आप बिंदास खाइए। कैसी हो बेटा? हम तो ठीक है, मगर आप मुंह लटका कर क्यों बैठे थे? ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी मेले में गए थे और वहाँ किसी ने आपका गुब्बारा छीन लिया हो। समझ ले, मंदिर मेरे लिए मेला ही था। बरसों पहले आया तो बहुत खुश था यहाँ, और जब यहाँ से वापस गया तो मेरा सब कुछ छिन गया। अंकल जी, आप वापस ड्राइव करके तो नहीं जाने वाले ना? हॉस्पिटल में आपने हमसे प्रॉमिस किया था, याद है ना? एक तू ही तो है जिसने मुझे मेरे बीते हुए कल को भुलाने को नहीं कहा, बल्कि मुझे यह समझाया कि मेरे बीते हुए कल में मेरी अन्नू है जिसका मुझे इंतजार करना चाहिए। मेरे अंदर ऐसी हिम्मत कहां कि तुझे दिया हुआ वादा तोड़ दो। पता नहीं क्या बोलती रही। क्या गाड़ी है यार, एक दिन ऐसी ही गाड़ी मेरे पास भी होगी। ये तो वही बड़ी गाड़ी वाले रिच अंकल जी हैं, पर इनके साथ श्री क्या कर रही है? 15 साल बाद ब्रिज बाबू ने इस मंदिर में कदम रखा है। जब से इनकी बेटी खोई है तब से बेचारे इस गम में जी रहे हैं। कितनी बार तो जान देने की कोशिश भी की है। अच्छा ये बताओ, तुम तो घर आने वाली थी ना? हम जल्दी आपके घर आएंगे, अच्छे खाने वाने का इंतजाम करके रखिएगा। तू आ तो सही, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अब ऐसे इन्विटेशन को तो कोई भोंदो ही मना करेगा। हम जरूर आएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। क्यों, क्या पता नहीं, पर कुछ तो है जो हमें अंकल जी की तरफ खींचता रहता है। मम्मी कितने अच्छे अंकल जी हैं, इन्हें इनकी बेटी से मिला दो ना प्लीज। हे माता रानी, दो ही मुलाकातों में इस बच्ची से एक रिश्ता सा चुक गया है। क्यों? सारे पैसों की घड़ी ले ली क्या? कुछ तो छोड़ देते पर्स में, सिर्फ ये कार्ड्स हैं। एक काम करती हूँ, ये वापस दे देती हूँ। शायद मेरी हॉनेस्टी से इंप्रेस हो के मुझे कुछ दे ही दे। हाँ। अंकल जी सुनिए, सुनिए। अगर मैं इनकी बेटी होती तो आज इसी तरह ऐसे ही गाड़ी में घूम रही होती, ये मुंह पे धूल नहीं उड़वा रही होती। क्या करूं इस खाली पर्स का? रियल लाइफ में भी लोग ऐसे घरों में रहते हैं, एक दिन मैं भी रहूंगी। हाँ जी क्या चाहिए? ये बंगला जिन अंकल का है वो अपना पर्स मंदिर में ही भूल गए थे। तो धन्यवाद। प्रिया ये तेरी किस्मत का दरवाजा है, इसे तो मैं खुलवा कर रहूंगी।
अब क्या हुआ? अंकल, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूँ मंदिर से, और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। मेरा गला बहुत सूख गया है। अगर एक ग्लास पानी मिल जाता तो। कौन है राम सिंह? इसके लिए थैंक यू। बड़े आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं, थैंक यू बोलते नहीं। क्या देख रही हो? ऐसों का कमाल। मैंने सुना नहीं। मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली। मैंने कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं। कौन से अनाथ आश्रम? स्वामीनाथ आश्रम। ये तो वही आश्रम है ना जहाँ पर मिश्री भी रहती है? यहाँ भी मिश्री? हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे पास तो अपनों के नाम पर आश्रम में रहने वाले लोग ही हैं। मैं बहुत छोटी थी, एक हादसे में मेरे पेरेंट्स। कई साल पहले एक हादसे में मेरी पत्नी और मेरी बेटी अनु मुझसे जुदा हो गई थी। बात में आ रहा है, एक और इमोशनल लाइन चिपका देती हूँ। किस्मत इतनी बेरहम भी नहीं है अंकल। मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया, और आज मेरे पापा जैसे अंकल से मुझे मिला दिया। सॉरी अंकल, मैंने पता नहीं क्या सोच के, मैं चलती हूँ। बरसों बाद मुझे इतनी खुशी मिली, और वो भी जा रही है। ये मेरा कार्ड है, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत या परेशानी हो तो मुझे कॉल करने से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। ऐसे ही रिच मुर्गे की मुझे तलाश थी, बस ये अपनी बेटी समझ जाए मुझे, फिर इसका सारा पैसा सिर्फ मेरा होगा।